हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी तो उसमें बेबी बॉय के ऐसे कौन कौन से सिम्टम हुए थे जो सही साबित हुए थे, ठीक है। क्योंकि उस समय लोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी बेबी गर्ल हुई थी, और मेरी ये जो ट्विंस प्रेगनेंसी है ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है जिसमें मुझे बेबी बॉय कंसीव हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी बेबी गर्ल की और जो मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी थी बेबी बॉय की, तो इन दोनों के जो सिम्टम थे बिल्कुल ही डिफरेंस थे। सिम्टम्स एक भी मैच नहीं करते थे। सबसे पहला जो सिम्टम था वो ये था कि लोग कहते हैं ना कि अगर आपको उस समय जो है बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है तो बेबी बॉय ही होगा। तो ये वाला जो सिम्टम था तो मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ था, और मुझे उस समय बहुत कम ही नींद आती थी, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती थी। और दूसरा जो सिम्टम था वो ये था कि लोग कहते हैं कि अगर आपका बेबी बॉय होने वाला है तो उस समय बहक वगैरह बहुत लगती है, तो ये वाला भी जो सिम्टम था मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ था। मुझे उस समय महक वगैरह बहुत ज्यादा लगती थी। और तीसरा जो सिम्टम था वो कहते हैं कि बेबी बॉय अगर होने वाला होता है तो वोमिटिंग वगैरह होती है, तो ये वाला जो सिम्टम था ये वाला भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। और जो चौथा सिम्टम था वो ये था कि कुछ लोगों का मानना है कि जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो हमारी नाभि के ऊपर जो लाइन होती है उस समय वो बिल्कुल सीधी और डार्क कलर की होती है, तो मेरे साथ ये वाला सिम्टम भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय जो मेरे नाभि के ऊपर जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी और प्लस साथ में बिल्कुल डार्क कलर की थी। चौथा सिम्टम जो होता है बेबी बम को लेके, तो उस समय लोगों का मानना होता है कि अगर बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो हमारा टमी होता है उस समय बिल्कुल जो है सामने रहता है और गोल गोल होता है, तो ये वाला भी सिम्टम बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय जो मेरा पेट था वो बिल्कुल गोल था और बिल्कुल आगे की तरफ था। कुछ लोगों का मानना है कि बेबी बॉय के टाइम पे हमें जो है मीठा बहुत पसंद आता है। मैं आपको बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग में मीठा नहीं अच्छा लगता था, स्टार्टिंग में चटपटा पसंद आता था, लेकिन जैसे ही मेरे 6-7 मंथ स्टार्ट हुए थे उसके बाद मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था, और मैंने बहुत ही ज्यादा मीठा खाया था उस समय, और जिसमें मुझे छेने सबसे ज्यादा पसंद थे। तो ये वाला जो सिम्टम था वो भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। उसके बाद में एक जो सिम्टम है, जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल डल हो जाती है, तो ये वाला भी सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय मेरी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा डल हो गई थी, कलर भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि उस समय अगर हमें जो है हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में तो बेबी बॉय होने वाला होता है, तो ये वाला जो सिम्टम था ये भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। मुझे उस समय हरी मिर्च बहुत पसंद आती थी, जबकि मैं अदर में इतना नहीं खाती थी, लेकिन मुझे उस समय स्पेशली बहुत अच्छी लगती थी हरी मिर्च खाना। और एक जो सिम्टम है कि अगर बेबी बॉय होने वाला होता है तो हमारा जो फैट होता है उस समय हमारी पूरी बॉडी पे नहीं चढ़ता है बल्कि सिर्फ टमी पे चढ़ता है, तो मेरे साथ भी ये जो सिम्टम था बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय जो फैट था मेरे चेहरे या मेरी बाजू या किसी पे भी नहीं था, सिर्फ मेरे टमी पे ही था, ओनली मेरा जो पेट था वही दिखाई पड़ता था, अदरवाइज कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था। ये वाला सिम्टम भी बिल्कुल सही साबित हुआ था। और लास्ट जो सिम्टम था वो ये था, कुछ लोग कहते हैं कि जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो बहुत ही कम हलचल होती है और ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही होती है, तो ये वाला भी सिम्टम बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस समय मेरे जो बेबी बॉय थे वो बहुत ही कम हलचल करते थे और प्लस ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही करते थे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि बेटी हो या बेटा हो ये सब गॉड गिफ्ट होता है फ्रेंड्स, लेकिन बस कुछ लोगों का मानना होता है, तो मैंने भी सोचा था कि क्यों ना हम भी थोड़ा सा गौर करते हैं। तो बस ये सब जो भी मैंने बताया आप इनको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और जो है सबका हार्मोनल चेंजेस सब कुछ अलग अलग होता है, तो हो सकता है जो सिम्टम्स मेरे रहे हो वो आपके ना हो, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, या फिर कुछ मैच भी करते हो, तो आपको इनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस थोड़ा सा एंजॉय के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपकी अभी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपके कौन से सिम्टम्स मैच हो रहे हैं और आपको क्या हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेटी हो या बेटा सभी बराबर होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।